सब रोगों की जड़, सब रोगों की जड़ अनिद्रा, इंसोमेनिया। ये अनिद्रा इंसोमेनिया क्या है? नींद न आना, नींद न आना और नींद न आने से डर मन में बने रहना कि अगर नींद नहीं आई तो मेमोरी खराब हो जाएगी, काम में मन नहीं लगेगा, आंखें खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, शारीरिक सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये डर बने रहना नींद न आने से, ये परेशानी कौन सी है आज के वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं मिस्टर साइको गुरु राजेंद्र जोधपुरिया आज के साइको एजुकेशनल वीडियो में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन काउंसलिंग साइकोथेरेपी मानसिक रोगियों के लिए एक नई उम्मीद, एक नई आशा की किरण लेकर के आई है और ऑनलाइन काउंसलिंग से इलाज आसान सस्ता होता जा रहा है। आज का वीडियो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ के तहत आप तक पहुंच रहा है। अनिद्रा, नींद न आना कई वजह हो सकती है, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं, कारण भी जानेंगे। और सबसे ज्यादा जो परेशानी इंसान को मानसिक रूप से परेशान करती है वो अनिद्रा की है। अगर नींद ना आए तो इंसान खुद में उलझ जाता है, खुद बीमार हो जाता है नींद न आने के कारण। ऐसा कैसे होता है कि नींद आखिर आती क्यों नहीं है और नींद ना आए तो हो क्या जाता है और नींद लाने के लिए किया क्या जाए, इस वीडियो में टिप्स जानने वाले हैं नींद से रिलेटेड कि नींद कैसे आएगी, कैसे बेहतरीन नींद लें, इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अनिद्रा इंसोमेनिया की कैटेगरी क्या है। ये तीन कैटेगरी के अंतर्गत होता है। सबसे पहले अस्थायी नींद, अगर तीन रातों तक नींद ना आए तो उसे अस्थायी नींद कहा जाता है। दूसरी है एक्यूट अनिद्रा इंसोमेनिया, जिसमें कई हफ्तों तक नींद ना आए तो उसे एक्यूट इंसोमेनिया माना जाता है। और तीसरी कैटेगरी है क्रोनिकल, जिसमें महीनों सालों तक नींद की समस्या हो तो उसे क्रोनिकल मान लिया जाता है। आप इस कैटेगरी के द्वारा खुद को डिफाइन कर सकते हैं कि नींद की समस्या कितनी है, क्या अस्थायी में आती है, क्या एक्यूट में आती है या क्रोनिकल में आती है। लक्षण क्या होते हैं अनिद्रा के? लक्षण यही होते हैं कि स्ट्रेस बने रहना, चिंता बने रहना, इंसान चिंतित रहता है, उदास परेशान रहता है अनिद्रा, ये लक्षण दिखाई देता है। कमजोर याददाश्त कमजोर हो जाती है, याद कम रहने लग जाता है, ध्यान शून्यता एकाग्रता बनती नहीं है, काम में ध्यान नहीं लगता है, बस विचारों में उलझा रहता है, परेशानी में उलझा रहता है, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा हो जाना, व्यवहार चिड़चिड़ापन हो जाना, कुसमायोजन, मिलना जुलना कम हो जाना, सामाजिक रूप से समाज में जो समारोह है, फंक्शन है, उसमें रुचि ना रहना, मिलना जुलना कम हो जाना। इंसान अगर नींद ना आए तो इसके लिए प्रयास क्या करता है? कई बार खुद के प्रयास होते हैं, दवाएं ले ली जाती है, बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टरी मदद के दवाएं खुद ले ली जाती है मेडिकल स्टोर से या किसी अन्य से, तो ये भी एक तरीका कारगर नहीं होता है, क्योंकि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं लेना खतरनाक हो सकता है। क्या डोज है, कितनी लेनी है, ये अपने आप लेना बुरा असर डाल सकता है स्वास्थ्य के ऊपर। दवाओं से परहेज करें जहां तक हो सके, क्योंकि ये आदत फिर एक नई बीमारी को जन्म दे देगी। और दूसरा, नशा लेना, ड्रग्स लेना, जो शराब के लती होते हैं, कई बार ये कारण भी मिलता है कि उनको नींद ढंग से नहीं आती है, नींद के लिए वो नशे का सेवन करते हैं। आइए अब जानते हैं कि कारण क्या है अनिद्रा पैदा होने के, इंसोमेनिया के पीछे आखिर कारण क्या है। सबसे पहला कारण स्ट्रेस है, जीवन में उथल पुथल होना, जीवन में बैलेंस की कमी होना, स्ट्रेस होना, काम में स्ट्रेस होना, जॉब में स्ट्रेस होना, घर में घरेलू कलह होना अनिद्रा का कारण बनता है। दूसरा है खाने पीने की गलत आदतें, जैसे रात को सोने से पहले कुछ फास्ट फूड खा लेना, बहुत पेट भरकर खा लेना, हद से ज्यादा खा लेना अनिद्रा का कारण बनता है, क्योंकि अनिद्रा के रोगी अगर ज्यादा खा लेंगे या नॉर्मल इंसान भी ज्यादा खा लेगा तो उसे नींद क्वालिटी की नहीं आएगी, नींद पूरी नहीं आ पाएगी, तो खाना पीना इसमें एक कारण बन जाता है ज्यादा। और इसके साथ साथ काम की
अलग अलग प्रणालियां। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान दिन में भी कमाता है और कुछ होते हैं जो रात को भी कमाते हैं। जैसे कंपनीज के अंदर ज्यादातर होता है इन्वायरमेंट ए बी सी शिफ्टिंग के द्वारा, शिफ्ट चलती रहती है उनकी ए बी सी, तो उसमें भी नींद का पैटर्न बिगड़ जाता है, नींद की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चेंज हो जाती है और नींद का पैटर्न बिगड़ने से ऐसी समस्याएं आ जाती है। सोने की खराब आदतें, सोते समय बिस्तर के ऊपर एंड्रॉयड फोन देखना या टीवी देखते देखते रहना, कुछ मन में एंड्रॉयड फोन से या टीवी स्क्रीन से चिपके रहना, कंप्यूटर के साथ साथ बार बार लगे रहना भी अनिद्रा का कारण बनता है। आइए अब जान लेते हैं कि अनिद्रा का इलाज क्या है। अनिद्रा के इलाज के लिए योग निद्रा का सहारा लिया जाता है, रिलैक्सेशन टेक्निक के द्वारा नींद का अभ्यास करवाया जाता है, पैराडॉक्सिकल इंट्यूशन। पैराडॉक्सिकल इंटेंशन क्या है? ये लोगोथेरेपी विक्टर फ्रेंकल द्वारा एक अद्भुत देन है जिसमें विपरीत करवाया जाता है, अलग करवाया जाता है, जागना होता है जितनी देर तक रिटेन कर पाए खुद को। तो ये कैसे संभव होता है ये थेरेपी में जानते हैं। इसके साथ साथ जीवन को बैलेंस करने के लिए, माइंड को बैलेंस करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CDT, कॉग्निटिव ड्रिल थेरेपी और वर्तमान में जीना, सोते समय सिर्फ वर्तमान में रहना, द पावर ऑफ नाउ थेरेपी और चिंता परेशानियों को मैनेज करने के लिए, समझने के लिए श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी। आप मुझसे बात कर सकते हैं, चूक न जाना ऑनलाइन मुझे अनिद्रा के बारे में बताना। अगर आप अपनी अनिद्रा की समस्या बताते हैं तो उसका हल निश्चित मानिए। आप अपनी समस्या किसी अन्य साइकोलॉजिस्ट काउंसलर से भी शेयर कर सकते हैं, इलाज ले सकते हैं। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं और समय समय पर मित्र बंधु भाई दोस्तों तक शेयर भी करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से, राजेंद्र जोधपुरी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है।